के दिन इसलिए छोड़ रहा हूँ तेरे को। बड़े बड़े लोग मेरे पास आते हैं बूट पॉलिश करने। मास्टर शेफ बहुत पुराना कस्टमर है। मास्टर शेफ कौन है तेरे को पता नहीं? बता रहे इसको। तेरे को पता नहीं शेफ मास्टर कौन है? कि वो जो प्याज वगैरह है, लहसुन और मिर्च जो है वो तो एकदम बाद में डालते हैं, तो प्याज डालकर इसको पकने देते हैं कुछ देर तक। इसमें जो आलू है वो पकने चाहिए और इसमें हमें टमाटर भी डालने हैं और इसमें लाल मिर्च पाउडर या पेपरिका पाउडर। ये देखिए, वाह, खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। का नाम मास्टर शेफ है। तो वो बहुत बड़ा आदमी है। ऊपर वाला सबसे बड़ा है। बाबा बावर्ची थे ना? बहुत अच्छे बावर्ची थे। पर तू ये सब बकवास क्यों सोच रहा है? सबके बस की बात नहीं होती है। तू मेहनत करता है, रोटी कमाता है, बहुत है कि नहीं? कैसे हो मास्टर शेफ? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं कल टीवी पे देखा था तुमको। अच्छा, कितना मस्त लग रहा था। आज क्या बनाने वाले मास्टर शेफ? आज मैं फलूदा बना रहा हूँ। कभी खाया फलूदा? नहीं भाई। फलूदा ग्लास में बनाते हैं, एक लंबे से ग्लास में। सबसे पहले रबड़ी डालते हैं, फिर क्रश की हुई आइस, उसके ऊपर थोड़ा रोज सिरप, थोड़ा सब्जा और फिर आइसक्रीम, अलग अलग फ्लेवर्स की कुल्फी भी डाल सकते हैं। ठंडा ठंडा चिल्ड फलूदा पीजिए, खाइए। सारा आप ही पियेंगे क्या? चलिए अब बनाते हैं चिकन बिरयानी। चिकन बिरयानी बनाने के लिए एक पैन में 3 चम्मच तेल गरम कर लें। अब इसमें थोड़ी दालचीनी, तेज पत्ता, लौंग, हरी इलायची, मोटी इलायची, सब चीज़ें डालकर अच्छे से भून लें। अब इसमें कटे हुए प्याज, स्लाइस अनियन, आधा किलो चिकन के बोनलेस पीसेस और हरी मिर्च डालकर भून लें। अब बारी आती है हल्दी पाउडर डालने की। इसके साथ साथ इसमें डालें कटे हुए टमाटर और नमक स्वाद अनुसार। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। उसके बाद डालें अदरक लहसुन का पेस्ट, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 कप दही। इन सब चीज़ों को भी अच्छी तरह से मिक्स करें और पकने दें कुछ देर तक मीडियम हीट के ऊपर। फिर थोड़े तले हुए प्याज, 1.5 कप उबले हुए चावल, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर, घर में बना हुआ हो तो बहुत अच्छी बात है। उसके साथ साथ पतला लंबा कटा हुआ अदरक, थोड़ा पुदीना और धनिया पत्ता, ऊपर से 1/2 कप दूध और कुछ बूंद गुलाब जल की डाल दे। ये क्या किया तुमने? सारी बिरयानी जला दी? ये सिखाया तुमने मुझसे? कितनी उम्मीदों के साथ सिखाया था तुमको। तुम्हारे बाबा बावर्ची थे और तुम एक बिरयानी नहीं बना पाए। अब चुप क्यों? आज क्या बनाने वाले मास्टर शेफ? आज कुछ भी नहीं, आज छुट्टी है। ये सुनो क्या लिखा है। कानपुर के एक दफ्तर में एक आदमी इंटरव्यू देने गया, पर नौकरी किसी और को मिल चुकी थी, लेकिन फिर भी वो हर रोज दफ्तर जाता रहा। शुरू शुरू में लोग सोचते वो एसी की हवा खाने आता है। धीरे धीरे वो काम संभालने लगा, पहले छोटे काम फिर बड़े काम, प्रमोशन भी होने लगी। कितने लोग रिटायर भी हो गए, पर वो रोज आता रहा। कल की दोपहर वो उस दफ्तर में ही गुजर गया। फिर पता चला कि वो वहां बिना नौकरी के काम करता था।
सब उसे सिर्फ हंसमुख हंसमुख कहते थे क्योंकि वो हमेशा खुश हो रहता था। चलो कल मिलेंगे। बाय बाय मास्टर शेफ। अकील 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 हे अकील, देख मेरे पास ऐसी का कॉइन है, तेरे पास है क्या ऐसा? देख मेरे पास ऐसी का कॉइन है। चला शाम को कुछ खाने जाते। आज नहीं, आज मुझे कुछ काम है।